Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूषण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने उज्ज्वल स्टीवित भूषण पर। काफ़ी समय से जिसका इंतज़ार था सभी लोगों को, उसका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। सीटेट दिसंबर 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है अभी अभी का। आप जो है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कैसे आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। और कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और कितने पास हुए हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं उस वेबसाइट से जहां से आपको अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सिंपली आपको या तो आप गूगल क्रोम या तो आप गूगल को डायरेक्ट ओपन कर लें अपने मोबाइल से, या तो आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। किसी भी ब्राउज़र को आप ओपन कर सकते हैं, चाहे मोजिल्ला को। चलिए हम गूगल को ओपन करते हैं। गूगल में आपको सिंपली सर्च कर लेना है सीटेट रिजल्ट। अगर आपको वेबसाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस आपको सीटेट रिजल्ट सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा सामने। धीरे से आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ आपको सीटेट की जो वेबसाइट है जहाँ से आप रिजल्ट अपना डाउनलोड कर पाएंगे, वो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, सीधे आप डायरेक्ट होम पेज पर आ जाते हैं। सेंटर टीचर एग्जिट टेस्ट, ये सीटेट की वेबसाइट है, देख सकते हैं। इसको जो है आप स्क्रॉल डाउन कर लें और नीचे आ जाएँ। जैसे ही आप नीचे आते हैं, सीटेट दिसंबर 2021 का रिजल्ट नोटिफिकेशन लगा हुआ है। यहाँ इस हरी बटन पर आपको क्लिक कर देना है। नोटिस में आप देख सकते हैं, नोटिस में भी हम आपको दिखाएंगे क्या चीज़ें हैं। यहाँ आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। आपका रिजल्ट खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अगर प्राइमरी और जूनियर दोनों आपने भर रखा है तो दोनों का रिजल्ट एक साथ आपको मिलेगा। और जो आपने एग्जाम चूज किया है प्राइमरी या जूनियर, तो आपके सामने खुलकर आ जाएगा, वो आप जानते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 60% मार्क रखा गया है पासिंग के लिए। यानी आपको जो है 19 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी 90। अगर आप जो है OBC, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। OBC, SC या ST, अगर OBC, SC, ST वर्ग से आप आते हैं तो आपके लिए 82.3 या 82 समझ लीजिए आपको पासिंग वर्क जो रखा गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 55% आपको जो है पासिंग के लिए अनिवार्य है मार्क्स लाना। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी थी जानने के लिए। जनरल, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर लाना है। OBC, SC, ST वालों के लिए 82 लाना है। बस इतना आप ध्यान दीजिए। अब आशा करता हूँ कि वीडियो देख करके आप सिंपली अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं नोटिस में क्या चीज़ें हैं। देखिए ये नोटिस आपके सामने हम खोल के दिखा रहे हैं आपको। 9/3/2022 आज की ही नोटिफिकेशन है। ये जो नोटिस लगाई गई है आज की है, आज की डेट में। ये सीटेट 2021 को लेकर है। इसमें आपकी पब्लिक नोटिस जो है रिजल्ट को लेकर ये आपके सीटेट वेबसाइट में मिल जाएगी। पेपर फर्स्ट में आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे आपके 18,92,276 और जो है अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में 14,95,511। पास हुए कैंडिडेट 4,45,467। पेपर टू को देख लेते हैं। इसमें आपके 16,62,886 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया और एग्ज़ाम में अपेयर हुए 12,78,165 और यहां आपके पास होते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट 2,20,069। इस नोटिस में सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, कितने अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे एग्ज़ाम में, कितने पास हुए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।